हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आगरा के सरकारी स्कूल में छात्राओं को बनाया वेटर, विधायक की आवभगत में छात्राओं ने सजाया नाश्ता, हाथ में नाश्ते की प्लेट लिए छात्राओं की वीडियो वायरल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की सरेआम उड़ी धज्जियां। ये हैं भाजपा के विधायक योगेंद्र उपाध्याय जो आगरा के लोहा मंडी में बने सरकारी प्राथमिक सरदार पटेल स्कूल में आए हैं बच्चों को ड्रेस वितरण करने के लिए। यहाँ काफी कुछ इंतजाम किए गए हैं, टेंट लगाया गया है, एक मंच सजाया गया है और फिर स्कूल के बच्चों को सामने दर्शक बनाकर बैठाया गया है क्योंकि इनको ड्रेस बांटी जानी है। विधायक के बोल आप शुरू में सुन ही चुके हैं जिसमें वो शिक्षा को लेकर बड़े ही संजीदा नजर आ रहे हैं। विधायक जी ने बच्चों को ड्रेस बांटी भी, लेकिन अपनी आवभगत में विधायक जी ये भूल गए कि उनके सामने टेबल पर जो नाश्ते से सजी हुई प्लेटें रखी हैं, उनको लगाने के लिए स्कूल प्रबंधन ने स्कूल की छात्राओं को लगा दिया। विधायक जी के आने से पहले इन छात्राओं ने टेबल पर ये नाश्ते से सजी हुई प्लेटें रखी और फिर कार्यक्रम के दौरान भी स्कूल की छात्राएं हाथों में नाश्ते की प्लेट लेकर मंच पर गईं और वहां विधायक जी की अवगत करके नीचे उतर आईं। बच्चों के हाथ में नाश्ते की प्लेटें लेकर विधायक जी के सामने जाने और उनके आने से पहले टेबल पर नाश्ते की प्लेट सजाने का वीडियो वायरल हो गया है जिसकी घोर निंदा हो रही है कि एक विधायक के सामने किस तरह स्कूल की बच्चियों को वेटर बना दिया गया। जिस देश के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा दिया, उस नारे की सरेआम उसी पार्टी के विधायक ने अपनी आंखों के सामने धज्जियां उड़ती हुई देखी और कुछ नहीं कहा। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी अपने विधायक का स्वागत करने में इतने मस्त थे कि उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा कि स्कूल की बच्चियों को विधायक के सामने वेटर ही बना दिया गया। क्यों नहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ये काम सौंपा गया? वो इसलिए क्योंकि उनको ये छोटा काम लगता, तो इसलिए स्कूल की छात्राओं को स्कूल की ड्रेस में नाश्ता परोसने के लिए आगे कर दिया गया। विधायक ने भी शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन कई बार छात्राएं उनके सामने से हाथों में प्लेट लेकर गुजरी, लेकिन उनके जहन में एक बार भी ये नहीं आया कि ये गलत है और इसे रोका जाना चाहिए।